इस घर से बहुत सारा मेमोरीज लेके जा रही हूँ। सच में बहुत इमोशनल फीलिंग हो रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू हाउस। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लास्ट लाइफ चैनल। आज रही भी रेडी, सब लोग रेडी हो गए क्योंकि आज नया घर में हम लोग जा रहे हैं। नया मतलब आज लास्ट ही लिवरपूल का घर को बाय बाय कर कह देते हैं, क्योंकि आज ही अभी हम लोग निकलेंगे। सारा सब कुछ सामान लेकर चले गए एंड अपलोड लोड किया है, ये सारा सामान लोड किया है ट्रक में। रजत नीचे खड़ा है एंड अभी मैं ऊपर सब सुपरवाइज कर रही थी, होता ना, इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि इधर वो सब बॉक्स लेने के लिए, मतलब लोड करने के लिए कार्टन ये ट्रक में। एंड सच बताओ 2 वीक्स वॉज द हार्डेस्ट वीक्स इन आवर लाइफ, बिकॉज ये लास्ट 2 वीक में कितना काम करना पड़ता था, घर साफ एंड एट द सेम टाइम सब पैक करके सब कुछ प्रॉपरली बॉक्स में डालना, बैग्स में डालना, बहुत सब कुछ ऐसे जैसे देख रहे खाली घर, ये सब मेहनत से खाली हो हुआ है। तो जो भी है, हाँ जो भी है, तो अभी इस घर को आप लोग देख लीजिए लास्ट टाइम, ये घर को अच्छा से देख लीजिए एंड ये घर को भी आप लोग बाय बाय कह देते हैं। आप लोग भी बाय बाय कीजिए, हम लोग भी बाय बाय कह देते हैं, क्योंकि ये लास्ट की तक खाली खाली लग रहा है। सच में यहाँ से ब्लॉग करती थी मैं एंड लिवरपूल का ब्लॉग खत्म भी हो जा रहा है आज ही। एंड सबसे बड़ा गुड न्यूज है कि आज ही हम लोग जा रहे जो जगह हम लोग सिलेक्ट किए हैं लंदन के एकदम नजदीक, लेकिन प्रॉब्लम है कि आज जहाँ जा रहे लंदन के पास घर देखने एंड मतलब आप लोग सोच नहीं सकते, आज हम लोग पहली बार वो देखेंगे घर, मतलब जहां पर आई कैन रिलेट। आप लोग भी एक्साइटेड होंगे ये ब्लॉग देखते हुए, क्योंकि आज ही हम लोग पहली बार जा रहे जो घर हम लोग मतलब सिलेक्ट किए, जो घर में हम लोग रहेंगे लंदन के पास, आज ही हम लोग मूव करेंगे एंड देखते हैं वहां पर। आज तो फर्नीचर कुछ आएगा नहीं उस घर में, लेकिन एंड ये देखिए मेरा ये आउटफिट रेडी हो गई हूँ नया घर के लिए, नया कुछ पहनी हूँ। ये देखिए नेकलेस, ये नेकलेस बहुत खास है, ये नेचर स्ट्रेजर से लिया था ये। ये एवरीबॉडी कैन सी। रजत को भी आने देते हैं एंड तो चलिए ये ब्लॉग शुरू करते हैं। आई होप आप लोग बहुत एंजॉय। राइली हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग फाइन। इज इट द हाउस इज एम्प्टी? या। ओह गुड जॉब। एंड आई एम आल्सो, ये देखिए ना कितना खाली लग रहा है, ऐसे जब देख रहे हैं वाइड एंगल में कितना खाली लग रहा है। इस घर में इतना भरा भरा रहता था। हमारा भी देखिए कितना खाली, यहाँ पर भी सामान रखे थे, बैग्स वगैरह सब गुछा के यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रखी थी, सब कुछ खाली हो गया है इस कमरा। एंड ये देखिए अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत मेहनत लगा, सच बात पता बहुत मेहनत से होता है ना, मैं ज्यादा से ज्यादा एफर्ट दिया था इस घर को क्लीन करने के लिए, क्योंकि रजत का तो ऑफिस रहता है हर दिन ही एंड ऑफिस से छुट्टी भी नहीं लिया, आज छुट्टी लिया क्योंकि आज हम लोग उस नया घर में जा रहे हैं, इसलिए आज छुट्टी रजत लिया है, आज फ्राइडे है। तो चलिए ये ब्लॉग आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा आज देखते हुए। रायली देखिए पूरा खाली घर में ये दौड़ रही है, कमरे को दिखा रही हूँ वाइड एंगल से, देखिए पूरा खाली खाली लग रहा है, सब कुछ साफ सफाई करके दे रही हूँ। एंड ये भी देखिए, हाँ इस घर से बहुत सारा मेमोरीज लेके जा रही हूँ, सच में बहुत इमोशनल फीलिंग हो रहा है। एट द सेम टाइम नया बिगिनिंग का भी होना जरूरी है, क्योंकि जैसे होता है ना कि नया लाइफ एंड यहाँ पर लिवरपूल में रह के कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि रजत का मेन काम ही है लंदन ऑफिस जाना, लंदन का ऑफिस में अटेंड करना है रजत को, तो इसीलिए हम लोग लिवरपूल में रह के कुछ बात बनेगा नहीं, तो लंदन ही जैसे जाना है तो लंदन क्यों ना, मतलब लंदन के पास ही हम लोग घर इसीलिए लिए। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड वी आर रिलोकेटिंग फ्रॉम लिवरपूल टू लंदन। तो चलिए नया जर्नी शुरू होगा एंड आप लोग भी शायद एक्साइटेड है कि नया जर्नी कैसे शुरू होगा हम लोग का। एंड हम लोग भी, सबसे बड़ी बात है, हम लोग भी आज बहुत एक्साइटेड है क्योंकि नया घर हम लोग आज देखेंगे। And Riley, are you excited? Yeah.
तो अभी हम लोग बर्गर किंग में आए हैं एंड यहाँ से राइली के लिए बर्गर ले रहे हैं। अभी हम लोग इसके बाद जाएंगे सबवे, वहाँ से भी कुछ लेंगे, फिर हम लोग ट्रेन में उठेंगे। रायली बहुत एक्साइटेड है। अभी हम लोग बर्गर किंग से रायली के लिए टेक अवे पैक करके अभी सबवे भी आ गए हैं। फुट लॉन्ग सब्स लेंगे एक रजत और मेरे लिए, एंड वो एक्चुअली हम लोग लंच में खाएंगे जो टेक अवे ले रहे हैं अभी। एंड वो अभी ट्रेन भी पकड़ना है, अभी ट्रेन में भी चढ़ गए हैं हम लोग तीनों, लेकिन तीनों एक जगह सीट नहीं मिली है, तो इसीलिए जो मिली है अभी यहाँ पर जर्नी जो है तो 2 घंटा लगेगा लिवरपूल से लंदन तक पहुंचना। एंड अभी व्यू देखते हुए हम लोग थोड़ा सा लंच भी करेंगे जो लिए थे टेक अवे के लिए। एंड बेसिकली हम लोग का जर्नी जो है 2 घंटा पहुंचेंगे, फिर लंदन से फिर टैक्सी लेंगे, टैक्सी से अभी हम लोग जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर हम लोग 1 घंटा लगेगा वो न्यू अपार्टमेंट में। अभी टैक्सी भी पकड़ लिए एंड रायली अभी देखिए ना रिलैक्स मूड में चली गई है, होता है ना एकदम। एंड एट द सेम टाइम हम लोग भी बहुत खुश है। एंड लंदन काफ़ी मतलब भीड़ लगा है मुझे सच में, इतना साल बाद लंदन देख रही हूँ, 1-1.5 साल बाद। एंड मैडम टुसर्स के सामने से ये टैक्सी लेकर जा रहा है तो अच्छा लग रहा है। ऑल यू नो और रायली थोड़ा सा होता ना टायर्ड फील कर रही थी सच में, सुबह सुबह उठ के सब कुछ काम करना करके पूरा फ्लैट खाली करके अभी देखिए डबल डेकर फेमस लंदन बस भी दिख गया। एंड अभी चलिए वहाँ पर चल के फिर बात करते हैं एंड थोड़ा सा भी रिलैक्स कर लेते हैं टैक्सी में। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message for... तो अभी हम लोग 1 घंटा 20 मिनट में पहुंच भी गया न्यू अपार्टमेंट के सामने। एंड बहुत यू नो मॉडर्न लगा मुझे, सबसे बड़ी बात है रायली तो खुश हो गई है फाउंटेन देख के। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू हाउस। आइए अब ये है बेसिकली कॉरिडोर और पैसेज हुए जो ये देख रहे हैं, ये सीधा जाता है लिविंग रूम तक एंड डाइनिंग एरिया में। तो आइए यहाँ पर एंड हेलो रैली। सो ये बेसिकली डाइनिंग स्पेस है, बहुत बड़ा टेबल मिली है एंड बहुत इसके साथ अच्छा कंट्रास्टिंग कलर चेयर्स भी मिली है एंड द कर्टन इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड इट्स वेरी स्पेशियस। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, मैं सोच रही थी कि अगर यहाँ पर स्टिकी नोट्स होते ना कुछ तस्वीर या फिर मिरर लगाया जाए बहुत सुंदर लगता। तो हियर कम्स द लिविंग एरिया एंड ये देखिए काफी बड़ा है ये सोफा, तीनों बैठ के आराम से खुशी से हम लोग टीवी देख सकते हैं। दिस इज द टीवी यूनिट बेसिकली एंड दिस इज द कॉफी टेबल। ये काउच भी है, इसके ऊपर हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे काउच ऐसे यूज नहीं करेंगे, हम लोग सोच रहे हैं कि एज यू नो कॉफी टेबल यूज करेंगे। यहाँ पर ऊपर रख देंगे एक टेबल क्लॉथ एंड यहाँ पर देख रहे हैं ये भी काफी अच्छा लगा मुझे, ऐसे बैठ के आप लोग ये निकाल के ऐसे आप लोग लेट सकते हैं बेसिकली आप बीच वाइज। तो यहाँ पर इस साइड में अगर आप लोग घूमेंगे धीरे धीरे करके तो ये आप लोग को किचन साइड दिख जाएगा। तो दिस इज अ किचन एरिया, बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम लोग को एक माइक्रोवेव खरीद के लेकर आना पड़ेगा क्योंकि यू नो दे हैवंट गिवन अ माइक्रोवेव एंड देखते हैं कहाँ से हम लोग लाएंगे, पहले ब्राउज करना पड़ेगा घुमा के। एंड ये अच्छा लगा, ये केबल भी काफी अच्छा है, यहाँ पर भी रजत कुछ मोबाइल रख सकते है एंड मैं यहाँ पर रख लूंगी यू नो यहाँ पर एक टेबल टॉप, यहाँ पर मैगजीन रख सकते हैं। नाउ कम एंड लेट्स एक्सप्लोर द बालकनी। बालकनी बहुत काफी स्पेशियस है लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, या एकदम रास्ते का ऊपर ही है मतलब होता है ना, ये बहुत अच्छा है, ये टेबल भी दिया नीचे आने टेबल लेकिन ये एकदम रास्ते के ऊपर है ना, बहुत आवाज सुनाई दे रहा है आप लोग को।
एंड वहाँ पर देखे कैनल साइड भी है, देख रहे हैं कैनल साइड, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, बहुत एयरी है, विंडी है, यू नो एयरी पास करेगा, वार्म भी है, वार्म भी है, हम लोग को तो सच में गर्मी लग रहा था यहाँ पर आके. नो दिस इज नॉट मस्सी रिवर, दिस इज केनेन रिवर. हाँ यहाँ का रिवर का नाम है केनेन. तो चलिए आप लोग लेकर चलते हैं बेडरूम टू बेडरूम. चलिए हाँ, तो ये भी देखिए, ये भी फ्रीजर है, तो ये ही है फ्रीजर, अच्छा है. एंड ये तो डीप फ्रीजर है. अच्छा रितु, तुमने बताया कि ये एकदम ब्रांड न्यू फ्लैट है, हम लोग पहली बार ही आए, एक सेकेंड, हम लोग पहली बार, मतलब हम ही लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस फ्लैट में रहने आए. ये तो आप लोग को बताना ही भूल गई हूँ, द मोस्ट हैपनिंग यू नो टॉपिक ये है कि ये जो घर मिली है ना, ये हम लोग के पहले कदम रखे इस घर के अंदर. सबसे बड़ी बात है ये, मतलब हैरानी चीज है कि ये पहली बार ही हुई है, मतलब ये इंडिया में तो हम लोग का अपना घर है, तो वो घर में हम लोग पहले घुसे थे नहीं, दिस इज द सेकेंड टाइम वी आर यू नो एंटर योर होम. एंड दिस यहाँ पर आते ही आप लोग को ये फर्स्ट बेडरूम दिख जाएगा. एंड दिस इज बेसिकली द मास्टर बेडरूम, काफी थोड़ा बहुत स्पेशियस है. यहाँ पर दो ये क्या कहते हैं, दो ड्रॉयर भी दिया हुआ है. एंड ये देखिए मेरा वॉर्ड, ये मेरा क्लोजेट रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ रखूंगी एंड उस साइड. तो राइली का ऐसे जंपिंग शुरू हो गई, इस साइड में कुछ रखूंगी मैं एंड इस साइड में थोड़ा सा कपड़ा ही रख दूंगी, इस साइड में थोड़ा सा कपड़ा ही रख दूंगी. एंड दो एंड वहां पर भी थोड़ा सेल्स है एंड अच्छा है. यहाँ पर साइड टेबिल है, वहां पर साइड टेबिल है, रजत इसके यहाँ पर मोबाइल रखेगा, इससे रजत यहाँ पर मोबाइल रखेगा, वहां पर मैं मोबाइल रखूंगी. एंड राइली का एक्साइटमेंट हम लोग, मतलब सच में हम लोग रोक नहीं पा रहे. एंड ये अच्छा है, ये बेड का जो पीछे है, बेड्स क्या कहते हैं, बेड है अच्छा है, काफी स्पेशियस है, मुझे अच्छा लगे, तो हम लोग घर से लाए. एंड ये मैं एक रूम दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए ये बेड, हम लोग पहली बार ही आए है, इसलिए देखिए बेड का भी प्रॉपर ये काटेंगे पहले. तो आइए सेकेंड बेडरूम, बाथरूम भी आप लोग को दिखाना पड़ेगा, राइली का भी बेडरूम दिखाना पड़ेगा. सो दिस इज द यू नो अटैच बाथरूम कह सकते हैं, दिस इज द शावर एरिया एंड दिस इज स्पॉट एरिया. यहाँ पर बेसिन है, वॉश बेसिन, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ रख सकते हैं, यहाँ पर आके देखिए यहाँ पर कुछ रख सकते हैं. एंड फिर काफी कुछ तो यहाँ पर रख दूंगी, थोड़ा काफी मॉडर्न है एंड यू नो यहाँ पर कुछ रख सकते हैं एक्स्ट्रा कुछ टॉयलेट्रीज आइटम्स. तो ये बाथरूम भी हो गया, तो ये बेसिकली अटैच बाथरूम भी है, ये बेडरूम है एंड ये मास्टर बेडरूम है एक्चुअली. तो चलिए आप लोग को नेक्स्ट अवेटिंग रूम, ये राइली का किड्स बेडरूम कह सकते हैं, तो किड्स बेडरूम भी आप लोग को दिखाएंगे. एंड हाँ आप लोग को पहले फिर दिखाएंगे स्टोरेज एरिया. ओके आइए आइए, सो दिस इज बेसिकली किड्स बेडरूम. राइली देखिए सो रही है, तो हम लोग सोचते हैं ये कमरा थोड़ा सा छोटा है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सोच रहे कि डॉल हाउस, बार्बी ड्रीम हाउस रखेंगे, वहां पर भी कुछ रख सकते हैं. राइली का ब्लूई हाउस इधर रख देंगे, वहां पर जो है ना आइसक्रीम डोसे वो सब रख देंगे, मैं ये सोची हूँ. एंड यहाँ पर जो क्लोजेट है ये राइली एंड रजत यूज करेगा. यहाँ पर एक छोटा बेड साइड भी है एंड यहाँ पर बाथरूम नहीं है, मतलब अटैच, और दो बाथरूम दिया गया है. सो दिस इज द सेकेंड बाथरूम, ये देखिए यहाँ पर बाथटब भी है, काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर बाथटब, राइली बहुत खुश है बाथटब देखे तो बहुत. एंड यहाँ पर भी थोड़ा सा ये टॉयलेट्रीज रख सकते हैं, कब अच्छा लगा. एंड ये बाथरूम काफी बड़ा भी है, तो बहुत बड़ा है, यहाँ पर देखिए ये हिलता भी है और अच्छा मेंटेन करके हम लोग को रखना पड़ेगा सेकेंड. एंड ये थोड़ा सा मैट भी खरीद के लेकर आना पड़ेगा, धीरे धीरे होगा सब कुछ. एंड आप लोग को जल्दी स्टोरेज एरिया दिखाते हैं, चलिए देखिए ये एक स्टोरेज एरिया है, लेकिन ये मुझे फिगर आउट नहीं कर पाए कौन सा लाइट है, बट अंदर यहाँ पे लाइट नहीं है शायद. हाँ है, यहाँ पर दिया हुआ है लाइट, लेकिन आई कुडंट एबल टू फाइंड द लाइट. कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा. एंड ये देखिए ये यहाँ पर एक यूटिलिटी रूम है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन एंड वाईफाई सब कुछ, मीटर जो होता है सब कुछ बेसिक यहाँ पर है. यहाँ पर कुछ रख भी सकते हैं, अच्छा है.
एंड यहाँ पर आइए और एक स्टोरेज एरिया कम। तो ये देखिए और एक इस साइड में मतलब कॉरिडोर में एक और एक रूम बड़ा है, स्टोरेज स्टोरेज एरिया ही बोल सकते हैं, वो तो यूटिलिटी था, ये स्टोरेज एरिया। यहाँ पर क्लॉक रूम भी है एंड यहाँ पर कुछ रख सकते हैं, अच्छा है। मुझे ये बहुत हमारे सूटकेसेस वगैरह और काफी सारा सामान इधर आ जाए। हाँ फाउंटेन को आप लोग को दिखाना पड़ेगा, चलिए बाहर जाके आप लोग को फाउंटेन कॉन्सियर्ज एरिया भी दिखा देते। एंड आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है देखते हुए, क्योंकि यू नो ये एक्चुअली होम टूर एंड इन लंदन, एंड आई होप आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं एंड ये नया घर। एंड तो चलिए कमेंट भी लो आप लोग को कैसा लगा ये घर देखते हुए, कमेंट कीजिएगा। एंड चलिए बाहर आउटडोर भी दिखाते हैं आप लोग। अब नीचे आ गए एंड ये बेसिकली यहाँ पर लेटर बॉक्स है, पीछे देख रहे हैं यहाँ पर देखिए एक बोर्ड में लिखा भी है रिसेप्शन कार का पोडियम लेवल 1 में है, हम लोग तो ऊपर रहते 3 रूम, हम लोग का 3rd फ्लोर में है। एंड रायली तो बहुत एक्साइट हो गई है, रायली बोल रही इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो चलिए फाउंटेन दिखाते हैं अभी आपको। तो ये देखिए बाहर से अच्छा व्यू नज़र आ रहा है कैनल साइड, एंड इस साइड में हम लोग का मेन एंट्रेंस है। एंड तो चलिए यहाँ से आप लोग को कैनल दिखाते हैं। हम लोग का जब अपार्टमेंट का जो मेन डोर एग्जिट होता है ना, उसके सामने ही जो केनिंट रिवर है उसका एक कैनाल है, ये लोग तो रिवर कहते हैं, मुझे तो लगा ये एक्चुअली ये कैनाल, क्योंकि इतना उतना साफ नहीं था। जो भी है अभी आप लोग को फाउंटेन एरिया लेकर चलते हैं। तो बहुत सुंदर है, सुंदर है ना रजत, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है। शाम के टाइम भी फाउंटेन का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है क्या? तो ये है फाउंटेन एरिया, रायली भी बहुत खुश है। ये फाउंटेन देख के बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं कॉन्सियर्ज में, कॉन्सियर्ज में आ गए हैं अंदर, बहुत अच्छा एम्बियंस था। एंड सबसे अच्छा बात लगा मुझे, बच्चे लोग के लिए भी बहुत सारा एक्टिविटीज़ रखे हैं, जैसे कलर क्रेयॉन्स, कलर पेजेस, एंड बच्चे लोग ताकि एंटरटेन एंड यू नो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। एंड तब तक जब तक रायली थोड़ा सा कलर करेगी, तब तक रजत भी थोड़ा सा रिसेप्शनिस्ट से बातचीत करेगी। एंड उसके बाद देखिए रायली थोड़ा सा होता है ना, अच्छा लगता है उसको कलर करना, बिल्डिंग कलर बहुत अच्छा कर रही है बिल्डिंग। एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल के थोड़ा सा ग्रॉसरी खरीदने जाएंगे। तो अभी हम लोग ये सिटी सेंटर गए थे ओरेकल मॉल, एंड थोड़ा सा ये प्राइमार्क से थोड़ा सा शॉपिंग कर लिया, क्योंकि यहाँ पर एक सेकेंड ये सोनिक टी शर्ट भी लाई है रायली के लिए, खरीद लिया। ये देखिए रायली पहनेगी, बहुत दिनों से बोल रही थी सोनिक टी शर्ट तो है लेकिन फिर भी और चाहिए रायली को। तो जो भी है मैं फटाक से जल्द दिखा देती हूँ क्या खरीदी हूँ ये प्राइमार्क से। एंड क्योंकि ये नया घर है ना, नया घर के लिए थोड़ा बहुत तो चीज सामान लगता ही है ना, जरूरत से सामान, तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ क्या क्या है। करते हैं एक एक करके प्राइमार्क से क्या लाई हूँ। तो रायली के लिए ये अच्छा से दिखा रही हूँ, सोनिक टी शर्ट, ये सोनिक टी शर्ट फुल स्लीव, एंड ये इसके साथ एक ट्रैक पैंट्स पेयर करके लिया है, एंड तो ये पहनेंगी। एंड ये देखिए ना प्लेस मैट लिया है, ताकि ये क्योंकि ना मुझे टेबल क्लॉथ दिखी नहीं है प्राइमार्क में, तो ये बाद में टेबल क्लॉथ लेंगे, लेकिन ये प्लेस मैट 4 पीसेस हम लोग अभी यूज कर सकते हैं। ये थ्रो मिली है 10 pound का, ये अच्छा है, बहुत सुंदर है लाइलैक कलर, एंड ये ऊपर इसके ऊपर रखेंगे। एंड ये लिया है सुपर सॉफ्ट मैट्रेस प्रोटेक्टर, ये रखिए नया है ना मैट्रेस तो दाग नहीं लगेगा ये अगर यूज करेंगे तो। ये रायली का पिलो केस है, हाँ ये पिलो भी लाई हूँ, एंड पिलो लाई हूँ, एंड या शो 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 यू कम है कम हियर this side you come here and show it for me now you show it so everybody can see ye rail dekhi concierge mein gayi thi color kar rahi thi ye cotton reach ye cotton hai ye pillow cover hai and show the pillow pillow bring the pillow ye rahe rail ki carry karke lekar aa rahi hai the memory foam pillow yeah see ye rail ka pillow hai to ye use karegi aaj se। तो चलिए आज के लिए अभी थक गई हूँ बहुत, सुबह से जो काम था 2 हफ्ते से ये लगातार काम, जो घर सब साफ सफाई करना
चला गया करना लिवरपूल का। कल से नया ब्लॉग देखेंगे लंदन, लंदन का नया ब्लॉग देखेंगे। लिवरपूल टू लंदन, वेरी गुड। तो चलिए लंदन का ब्लॉग कल से देखिएगा एंड हम लोग भी एक्सप्लोर करेंगे, आप लोग को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करवाएंगे। एंड तो चलिए आज का ब्लॉग यहाँ पर ही एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब सब्सक्राइब बाय।